बेसिक नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक नेटवर्क डिवाइस जो सबसे ज्यादा नाम आपको सुनने को मिलता होगा वो होता होगा राउटर, हर जगह मिलता है। तो राउटर होता क्या है इसको समझिए, इसका नाम राउटर क्यों पड़ा है, इसका नाम राउटर इसलिए पड़ा है, ये राउटर का मतलब हो गया रूट और उसी में क्या लगा देगा आर, जैसे कोई ड्राइव होता है ना, ड्राइव, हाँ, तो जो ड्राइव करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर। इसी तरह से जिसका काम होता है पैकेट्स को क्या करना, रूट करना, उसको राउटर बोलते हैं। रूट करने का मतलब क्या, बेस्ट रूट बताना कि नेटवर्क में जो भी पैकेट्स नेटवर्क से बाहर जाने उनको बेस्ट रूट बताना, बेस्ट पॉसिबल रूट बताना, ये किसका काम है, राउटर। तो अगर हम लोग राउटर को एक्सप्लेन करें तो ये क्या है, इट इज एन इंटरनेटवर्किंग डिवाइस। इंटरनेटवर्किंग का मतलब जो दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराए, या दो से ज्यादा अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राउटर कहते हैं। तो क्या कह रहा है, इट इज एन इंटरनेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। क्या ये एक ऐसी डिवाइस है जो दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराती है, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अलावा कोई डिवाइस है क्या सर जो ऐसा काम करती है, स्विच नहीं, इसके अलावा आपको नेटवर्किंग में ऐसी कोई डिवाइस नहीं मिलेगी जो ये काम करे, समझ में आई बात, इतना आ गया समझ में। राउटर ही एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क में दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराती है। और ये किस लेयर पे काम करती है, अभी मैंने बताया आपको एसआई लेयर मॉडल में कि इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर। क्यों काम करती है नेटवर्क लेयर पे, अगर कोई पूछ दे आपसे, क्योंकि जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, डिफरेंट नेटवर्क कैसे हुआ, डिफरेंट नेटवर्क जहां पे दो अलग अलग नेटवर्क एड्रेस हो, क्या हो, दो अलग अलग नेटवर्क एड्रेस हो, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, समझ में आई बात। दो अलग अलग नेटवर्क एड्रेस का मतलब कि हमारे नेटवर्क का आईपी एड्रेस अलग रेंज में है और जो सामने वाला नेटवर्क है उसका आईपी एड्रेस अलग रेंज में, समझ में आई बात। अब देखो क्या कह रहा है आगे, और देखिए क्या कह रहा है, राउटर्स डिवाइड लार्जर नेटवर्क इनटू लॉजिकली डिजाइन नेटवर्क। क्या कि राउटर का काम यह भी है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसको लॉजिकल मैनर में क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, उससे क्या फायदा होगा। जैसे आप एक बहुत बड़ा मान लो एरिया है उसमें आपको घर बनाना है तो आप उसमें क्यों उसको डिवाइड कर देते हो, आसानी से सर क्यों डिवाइड कर देते हो कि ये यहाँ पे ये ड्राइंग रूम होगा, ये हमारा वॉशरूम होगा, ये हमारा किचन होगा, क्यों करते हो, आसानी हो जाती है, क्यों करते हो ऐसा स्ट्रक्चर क्यों तैयार करते हो। एक तो सबसे बड़ी चीज देखने में अच्छा लगेगा है कि नहीं, मान लीजिए घर बना रहे हैं, ये हमने चारों ओर से बाउंड्री कर दी और आगे गेट लगा दे, रहो इसमें, रह पाओगे कहाँ, रखोगे भैया सब कुछ, स्पेस का भी है कि नहीं। तो इसी तरह से जब आप नेटवर्किंग करते हो ना तो एक बहुत बड़े नेटवर्क को कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो ताकि किसी भी डिवाइस को, कोई भी डिवाइस अगर डिस्कवर करना हो तो वो आसानी से क्या हो जाए, डिस्कवर, उसमें प्रॉब्लम ना आए। देखो क्या कह रहा है कि राउटर इट डज टू बेसिक थिंग्स, सेलेक्ट द बेस्ट पाथ फ्रॉम द राउटिंग टेबल। कि राउटर में क्या होती है, राउटिंग टेबल होती है, उसमें हो सकता है कि किसी नेटवर्क तक पहुंचने के कई पाथ हो। राउटिंग टेबल मतलब क्या, रूट्स की टेबल, समझ में आई बात। तो उसमें से राउटर क्या करता है, अपने एल्गोरिदम को फॉलो करके, अपनी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके बेस्ट पाथ डिसाइड करता है कि हमको एट अ टाइम इस पैकेट को
इस पाथ के थ्रू सेंड करना है। इतना समझ में आया? जैसे आपको मान लीजिए यहां से दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली जाने के कई रास्ते हैं, बाय रोड जा सकते हो, बाय ट्रेन जा सकते हो, बाय प्लेन जा सकते हो, है कि नहीं? तो आप डिसाइड करोगे ना अकॉर्डिंग टू बजट, है कि नहीं? Yes. कि कैसे जाया जाए, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि प्लेन से चले जाए या ट्रेन से चले जाए या बस से चले जाए, नहीं करोगे फाइनल? Yes. तो इसी तरह से राउटर के पास जब कोई पैकेट आता है ना, तो ये भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखता है कि इसमें से बेस्ट रूट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन का मतलब क्या है कि इस समय कौन सा रूट हाँ ऐसा है जो इस पैकेट को सबसे तेजी से क्या करेगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। और क्या करता भाई, सिंपल दीजिए, फॉरवर्ड द पैकेट ऑन द पाथ, और उस बेस्ट रूट डिसाइड कर लिया, बेस्ट पाथ डिसाइड कर लिया, अब उस पैकेट को क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा उस पाथ से। तो राउटर एकमात्र ऐसी डिवाइस है, अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राउटर एकमात्र ऐसी डिवाइस है जो क्या कराती है, इंटरनेट वर्किंग कराती है। क्या कराती है? इंटरनेट वर्किंग। इंटरनेट वर्किंग मतलब नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर, समझ में आई बात? डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि राउटर मेक्स इट पॉसिबल टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स। राउटर के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाता है कि आप या कोई भी इस दुनिया में दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में क्या करा पाया, कनेक्ट कर पा रहा। इतना आया समझ में? अब थोड़ा सा इसको एक और इमेज से समझते हैं। जैसे यहां पे एक नेटवर्क दिया हुआ है ये, जो कहां पे है, एच वाई डी, ठीक है, ठीक है, और एक नेटवर्क दिया हुआ है ये, ठीक है। ये यहां पे इस नेटवर्क को क्या नाम दिया गया, के एस ए। अच्छा ये हैदराबाद था, ये बता दो भाई, ठीक है, ठीक है। अरे ऐसे मान लो ना कि ये मान लो लखनऊ है, अरे अपना एरिया ले लो भाई, और ये कानपुर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लखनऊ वाला नेटवर्क है ये किस रेंज में है, यहाँ पे हर एक कंप्यूटर पे आईपी पड़ा हुआ है 10.1.1.2, 10.1.1.3, 10.1.1.4, ठीक है, यानी 10 की रेंज। जब आप इसका नेटवर्क एड्रेस निकालोगे तो क्या आएगा, 10 की रेंज। यहाँ पे 10 की रेंज में चल रहा है, और ये कानपुर वाला नेटवर्क हमारा किस रेंज में चल रहा है, 20 की रेंज। यानी दोनों का नेटवर्क एड्रेस क्या है, एक का नेटवर्क एड्रेस 10 की रेंज है, एक का नेटवर्क एड्रेस 20 की रेंज। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है तो हमें क्या चाहिए, राउटर। तो यहाँ पे क्या लगा दिया गया, राउटर। क्या लगा दिया गया, राउटर। और जब हम राउटर के थ्रू इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, और राउटिंग